मन को पावरफुल बनाना मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड भी है अंतर मन उसको भी पावरफुल बनाना ऐसा पावरफुल हो जाए कि कुछ भी हो जाने पर हम घबरा न जाएं, हमारी निर्भयता नेचुरल रूप ले जीवन में कुछ भी हो जाता अचानक मनुष्य घबरा जाता है रास्ते में जा रहे हमारे यहां आबू में बहुत होता है सांप आ गया कई लोग घबरा जाते हैं और जो रोज के हैं उन्हें पता है साइड से निकल जाते हैं भालू आ जाता है अचानक कई बहादुरी से उसका सामना कर लेते हैं थोड़े से हैं जो डर जाते हैं आजकल शहरों में चीता आ रहा है आप लोग सुनते होंगे हमारे वन में सुदर्शन के ऊपर चीता है भारी एक दो दिन देखा उसको एक दिन सामने सुखधाम के सामने से घूमता हुआ कई लोग डर जाते हैं लोग वीडियो बना लेते हैं उनके तो हम सभी अपने को ऐसा पावरफुल बनाए कोई भी घटना होने पर मन घबराए नहीं घबराएगा तो निर्णय शक्ति काम नहीं करेगी क्या करें भूल जाएगा ये व्रत को पावरफुल बनाना है हमारी अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत पावरफुल हों कोई हमें रोकना चाहे अपने सतमार्ग पे चलने के लिए कोई हमें रोक न सके माताओं के सामने परीक्षाएं बहुत आती हैं ग्रस्त में पति या सास ससुर या और कोई रोकना चाहते हैं कई तो ये कह देते हैं गलत मार्ग पे चले गए मैं सोचा करता हूं भगवान मनुष्य को देवता बना रहा है लोगों को लगता है गलत मार्ग पे जा रहे हैं क्योंकि उनकी शराब सिगरेट छूट जाती है तो उन्हें लगता है गलत मार्ग है हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाना है आने वाले समय की चुनौतियों को हम हंसते हंसते पार कर सकें बहुत चैलेंजेज आने वाले हैं जब युग बदलेगा तभी तो कोरोना का छोटा सा काल देखा सभी ने उसमें ही सृष्टि पर बहुत भय फैल गया इससे बड़े बड़े सीन जब आएंगे तो हमें निर्भय अचल अड़ोल होना ही पड़ेगा हम तीन बातें लेंगे आज हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचाने बाबा के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं भूले रहते हैं दूसरी चीज हमारी शक्तियां कहां नष्ट होती हैं इसका हमें ज्ञान हो रोक दें और तीसरी बात हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे शक्तियों को कैसे भूल जाते हैं और भूलने से क्या होता है मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सभी के ख्याल में और आप याद भी रख सकेंगे एक हाथी जो राजा का हाथी था युद्ध में राजा उस पर ही बैठकर जाता था बहुत पावरफुल था राजा की रक्षा भी करता था और युद्ध में विजय भी बनाया उसने कई बार अब वो बूढ़ा हो गया था एक दिन नदी में पानी के लिए उतरा तो धंसने लगा नीचे होने लगा थोड़ा बहुत कोशिश की उसने नहीं निकल पाया जो साथ थे एक दो उन्होंने राजा को मैसेज दिया लोग आए तब क्या करें बहुत बड़ा हाथी होता है ऐसे तो नहीं दस लोग मिलके उसको धक्का देंगे निकल जाएगा ये भी काम संभव नहीं था उसके मंत्री ने राय दी कि नहीं ऐसे नहीं ये अनेक बार युद्ध में रहा है और युद्ध में जब युद्ध के नगारे बजते थे तो इसकी ताकत बढ़ जाती थी तो युद्ध के नगारे बजा दो ले आओ ढोल वोल जो भी होते हैं और उसके पास आकर जो युद्ध के नगारे बजने लगे वो तीन मिनट में कीचड़ से बाहर आ गया पहले अपनी शक्तियों को भूल गया था उसे लगता था कीचड़ से निकलना इंपॉसिबल है देख ले हम सबके साथ भी तो यही हुआ है और हो रहा है विस्मृत हो जाती हैं शक्तियां बाबा स्मृति दिलाता है तो हमें लगता है हम बहुत पावरफुल हैं परिस्थितियों की कीचड़ हमें विस्मृत कर देती है बस हमें इतना याद रखना है हम बहुत शक्तिशाली हैं। स्वयं भगवान ने हमें टाइटल दे दिया है कौन सा तो मास्टर सर्व शक्तिवान मूठ नहीं दिया हमें खुश करने के लिए नहीं दिया यह हमारा परफेक्ट टाइटल है इसका अर्थ होता है हम बहुत बहुत पावरफुल हैं दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था उसको लेने से पहले हम ये जान लें जिन्होंने पवित्रता का मार्ग अपना लिया है वो बहुत पावरफुल हैं जिन्होंने काम को जीता है उनसे पावरफुल संसार में कोई सेनापति भी नहीं हो सकता वासनाओं को जीतना ये बहुत कठिन काम है लोगों ने पहले कहा था किसी शक्तिशाली सेना को जीतना आसान हो सकता है लेकिन पांच विकारों को जीतना उससे बहुत ज्यादा कठिन है बाबा ने आकर उसको सरल बना दिया हम सब जानते हैं कैसे सरल बना दिया हम अपनी शक्तियों को भूले नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कुछ चीजें आप इस भट्टी से अपने साथ ले जाएंगे जिनको कभी भूलेंगे नहीं लिख के रख लेना अपने घर में कहीं सामने है पांच कोई श्रेष्ठ स्मृति जैसे मैं बहुत शक्तिशाली हूं मैं कुछ सुना देता हूं और भी जो क्लासेज हो रही हैं उनसे आप चुन लेना स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है साथी है इससे भी अच्छे शब्द हैं स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है हर कठिनाई सरल हर मुश्किलात सहज संभव हर परिस्थिति मेरे से कमजोर भगवान मुझे साथ दे रहा है याद रख लेना तीसरी बात जब भगवान साथ दे रहा है तो विजय मेरी ही होगी ठीक है युद्ध के मैदान में थोड़ा खेल चलता है विजय तक पहुंचने में कभी मनुष्य को लगता है कि हार बहुत पावरफुल है हम जीत नहीं पाएंगे परंतु अगर विश्वास रहता है रोज सवेरे मस्तक पर यदि विजय का तिलक लगवा लें बाबा से विजय निश्चित हो जाएगी ये तीसरा काम भी सबको करना है रोज सवेरे आपको सवेरे भूल गए या सवेरे नहीं उठे छह बजे तक भी बाबा के पास पहुंचे बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाकर कह दिया बच्चे विजयी भाव एक मिनट आधा मिनट इस डीप फीलिंग में आ जाए भगवान से विजय का वरदान मिल गया है लिख के रख लेना धामा कल्याणकारी है जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा भगवान जो साथ दे रहा है पांचवी बात मैं आपको ये बात वो सुना रहा हूं जो मैं सुनाता हूं अपने लिए रखता हूं आप अपने लिए कुछ और भी चुन सकते हैं दो चार इसमें से चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं मेरे पुण्य कर्म मेरी प्योरिटी मेरा श्रेष्ठ भाग्य मेरा सुरक्षा कवच है एक उदाहरण और दे रहा हूं कैसे गड़बड़ होती है विस्मृतियों से कैसे गड़बड़ होती है हमारे संकल्पों से संकल्प ही किसी को महान बनाते हैं शक्तिशाली बनाते हैं और संकल्प ही किसी को डाउन कर देते हैं एक छोटा सा उदाहरण आपको याद रहेगा एक बाबा का बच्चा है उसके जीवन में थोड़ी परिस्थितियां आने लगी हैं एक दो तीन चार पांच आ रही हैं परिस्थितियां अब उसका मनोबल डाउन होने लगता है बाबा मदद नहीं कर रहा है मेरा शायद बुरा समय आ गया है मेरा तो भाग्य ही खराब है जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ भाग्य साथ नहीं देता शिव बाबा भी शायद रूठ गया है मेरे से सोचते हैं ना शिव बाबा के बच्चे भी तो क्या होगा भाग्य और सो जाएगा परिस्थितियां और बढ़ती जाएंगी और जिसको भी ऐसा होता हो वो सवेरे उठ के पांच बार याद करके देखना स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं बुरे दिन तो उसी दिन खत्म हो गए थे जब भगवान से मिलन हुआ देखना भाग्य कैसे चमकता है परिस्थितियां कैसे भागती हैं रहेंगी ही नहीं तो हमारे संकल्पों में ही बहुत शक्ति है हमारे संकल्प ही डाउन भी कर सकते हैं एक चीज और याद रखनी है जो मैंने कहा था कैसे कैसे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं? इसका ध्यान बहुतों को नहीं रहता रहना चाहिए आपने कमाई कर ली है दस हजार रुपये आज लेकिन नौ हजार बेकार खर्च कर दिए खुशी होगी धनी इकट्ठा होगा नहीं होगा आपने अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया है आज लेकिन थोड़ी देर में इतना यूज कर लिया कि घंटे में वो दस पर आ गई आगे काम हो नहीं पाएगा आप सवेरे बहुत जल्दी उठे तीन बजे उठे बहुत अच्छा योग हुआ आपको लगा मजा आ गया है शक्तियां जमा हो गई हैं, लेकिन दिन में एक दो घंटा व्यर्थ चिंतन में बातों में बिता दिया शक्तियां जाती रहेंगी, लीकेज है वो छेद है शक्तियां बहती रहेंगी। छोटा मोटा पाप कर्म हो गया दैहिक दृष्टि हो गई मुख से कटु वचन निकल गए एक बार क्रोध आ गया शक्तियां बह गई तो जब हमें शक्तिशाली बनना है तो इन सब चीजों से भी बचना है इसलिए अच्छे पुरुषार्थियों को उन्हें जो ये चाहते हैं कि जीवन में कभी विघ्न बाधाएं ना आए आए तो हम उन्हें हंसते हंसते पार कर लें जो ये चाहते हैं हम माया पर पूरे विजयी बने हैं विजयी रहें माया हमें हरा ही नहीं सकती मन में भी उन्हें ये छेद ये लीकेज बंद कर लेने चाहिए समझदार होकर अब वो नहीं करना है जो पहले करते थे अब वो नहीं करना है जो संसार कर रहा है मास्क पहना हुआ बहुतों ने मास्क इसीलिए पहनते हैं ना बाहर के गंदे वायरस अंदर प्रवेश ना करें मैं नहीं कह रहा उतार लो मैं कह रहा हूं इसलिए पहनते हैं कि गंदगी अंदर जाए आज से मन पर भी एक मास्क लगा लेना वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा वो खुद को ही दिखाई देगा और वो है बताओ कौन सा मास्क वो है सुभावनाओं का मास्क मन की गंदगी इस बाहरी गंदगी से बहुत ज्यादा भयानक होती है वो पावरफुल भी होती है मन खुश नहीं है अभी बहुतों को देखा जो निर्भय रहे वायरस आ ही नहीं पाए उनके पास कोरोना हो गया निर्भय रहे बिना कुछ खाए पिए ठीक हो गए हमारे कई डॉक्टर हैं उसमें विशेष करके आयुर्वेदिक उन्होंने न मास्क यूज किया करना तो चाहिए था मुंबई के भी हैं कहा नहीं हमें पता था ये कैसे आता है आया ही नहीं अपनी सेफ्टी कर ली एक डॉक्टर बहन तो ऐसी जिसने जिसकी ऑक्सीजन कम हो जाती थी वो एक गोली खिला देती थी ऑक्सीजन लेवल ठीक थोड़ी देर में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ने दी और बहुतों का इलाज किया सूरत में है वो हमारी मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है इसको कमजोर होने नहीं देना है लौकिक के लिए भी शक्तियां तो हर पल काम आती है ना लौकिक में सभी है लौकिक में हर पल व शक्तियां हमारा साथ देंगी शक्तिशाली आत्मा की एक पहचान तो वही जो मैंने कहा भय ना आए दूसरा फीलिंग ना आए इल फीलिंग बुरी फीलिंग ये कमजोर आत्मा के लक्षण हैं। छोटी मोटी बात हो गई स्थिति बिगड़ गई ये पावरफुल आत्मा के चिन्ह नहीं हैं बातें कितनी भी बड़ी हों हमें हिला न सके एक युवक कल आए कंपटीशन में कुछ गड़बड़ हो गई जो उसका फील्ड है उसमें भी कंपटीशन बहुत होता है जिसको निगेटिव कंपटीशन ईर्षा देश कहते हैं एक्टर हैं ये दूसरों ने इसको आगे बढ़ने नहीं दिया डायरेक्टर ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया उसने वो छोड़ दिया काम डायरेक्टर ने बहुत धमकी दी इतनी पेनल्टी लगा देंगे बहुत अच्छा एक्टर है उन्हें कहा कुछ भी करो मुझे रहना ही नहीं आपके साथ और हल्के से डिप्रेशन का शिकार हो गया हनुमान का पुजारी था हनुमान के पूजा पाठ में लग गया एक कमरे में रहने लगा अंधेरे में ये बहुत पूरी स्थिति होती है मैंने कल उसे कहा उसकी मां भी थी कि तुम लक्की हो नहीं तो ऐसी स्थिति में पहुंचने पर युवक डिप्रेस गहरे डिप्रेशन में जा रहे हैं उसको जो बात कही मैंने वो आपको भी कह रहा हूं निराशा थोड़ा दूसरे डायरेक्टर के साथ लग गया है लेकिन मनुष्य को एक होता है ना मेरा कैरियर वहां कितना आगे बढ़ रहा था मेरा भविष्य वहां कितना सुंदर हो जाता है ब्रेक लग गया मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए पहली बात तो मैंने बाबा की याद दिलाई मां उसकी ज्ञान में है पूरी वो थोड़ा थोड़ा ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है थोड़ी सी मेहनत का संकल्प है ये क्योंकि हमें लगता है कल्याणकारी कहाँ है है ही नहीं और बाबा ने इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था तीसरा नेत्र खोलकर कल्याण के पर्दे के पीछे देखो कल्याण छुपा हुआ दिखाई देगा पर्दा हटते ही कल्याण ही कल्याण होगा इस बात को सभी अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपनी धारणा बना लें। जो भगवान के बन गए उनके लिए सब कुछ कल्याणकारी है भगवान के बच्चों का एक कल्याण होगा ही नहीं जब तक हम ट्रैक से हटे नहीं रेलवे लाइन ट्रैक कहते हैं उसे गाड़ी पटरी पर है तो नुकसान नहीं होगा ना चाहे डेढ़ सौ की स्पीड से क्यों ना दौड़ रही हो उतरते ही वो 25 की स्पीड पर ही हो हाल बिगड़ जाएगा हम ट्रैक से नीचे ना आए तो मैं कह रहा था उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक द्वार कोई बंद कर दे दूसरा खुला हुआ है उसको ढूंढ लो सो द्वार भी आपका कोई बंद कर ले एक सो एक द्वार भी आपके लिए है उसे ढूंढ लो जो मनुष्य जीवन में कभी निराश नहीं होता जो मनुष्य मन से हारता नहीं है ये बात मैंने उसे बहुत पक्की कराई तुम्हें कोई तब तक नहीं हरा सकेगा जब तक तुम तुम्हारा मन हार ना मान ले हार नहीं माननी है चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे हमें कोई हरा नहीं सकेगा सबके लिए है ये बात हम हार माने नहीं हमें कोई नहीं हरा सकता चाहे आप बिजनेस के फील्ड में हैं नौकरियों में हैं कोई अपनी जॉब करते हैं गृहस्थ में हैं वहां विरोध सहन करना पड़ता है ऐसी बहुत सारी माताएं मैंने देखी कुमार देखे कन्याएं देखी विरोध होने के बावजूद भी आगे बढ़ते ही जाते हैं पर जिसका चिंतन श्रेष्ठ हो विरोध उसको बहुत शक्तिशाली बना देता है प्राइम मिनिस्टर का जितना विरोध होता है वो शक्तिशाली बनते, है है बनते हैं या कमजोर गुजरात के बहुत बैठे हैं ना हाथ उठाना गुजरात वाले कमजोर बनते हैं शक्तिशाली शक्तिशाली विरोध को स्वयं को शक्तिशाली बनाने का आधार बना लें सभी चाहे वो माया का विरोध हो चाहे मनुष्यों का विरोध हो जब सत्य मार्ग पर एक बार कदम रख दिए जब पता चल गया कि यही सत्य मार्ग है भगवान की खोज का मार्ग नहीं रोज उससे मिलन का सुख पाने का मार्ग फिर चाहे संसार अलग करना चाहे अलग नहीं कर सकता ठीक बात है नहीं संशय मनुष्य की शक्तियों में बहुत बड़ा छेद डाल देता है पहने लगती हैं शक्तियां किसी भी तरह का संशय नहीं इस पे तो आप चिंतन करेंगे क्लास भी होती होंगी अपने में विश्वास एक तो निश्चय बाबा की बात होती है लेकिन आत्मविश्वास स्वयं में आत्मविश्वास अपने पुण्य कर्मों में विश्वास अपनी शक्तियों में तो हम निरंतर आगे बढ़ते ही चलेंगे अब हमें बहुत शक्तिशाली बनना है मैं दो चार अभ्यास आपके सामने रखता हूं अभी कर भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा और उस पर आप आगे बढ़ना मैं बहुत शक्तिशाली हूं मास्टर सर्वशक्तिवान हो बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं विश्वास कर ले इसमें जिस दिन हमने उसको पहचाना था जिस दिन कहा था तुम मेरे हो उसने गिफ्ट दे दी सभी शक्तियों की उनकी शक्तियां मेरे पास हैं जो अब तक नहीं थी उन शक्तियों के बल से ही हम माया जीत बनते जाते हैं हमारी शक्तियों की किरणें चारों ओर हमसे फैलती ही रहती हैं दिन में रोज दो बार एक दिन में दो बार सभी अपने चार ओर आभा मंडल बनाया करेंगे आभा मंडल तो सब समझते हैं ना और आ कहते हैं इंग्लिश में प्रभा मंडल भी कहते हैं जिनको ये सब समझ में ना आते हो वो समझ लें हमारे चारों ओर शक्तियों का घेरा रहता है सदा ही जो जितने अधिक शक्तिशाली बन गए हैं ये घेरा उतना ही विशाल है हम सदा ही शक्तियों के घेरे के बीच में हैं। बैठे एक मिनट सभी इस फीलिंग में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं बाबा ने सिर पर हाथ रख कर देखें बाबा का हाथ मेरे सिर पर अपनी सभी शक्तियां मुझे दे दी हैं फैल गई हैं शक्तियों की लाल किरणे मेरे तन मन में मेरे अंग अंग से ये शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी हैं और बन गया है चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल मैं शक्तियों के घेरे के बीच में हूँ शक्तिशाली हूं कलयुग के वाइब्रेशन से मुक्त स्वयं सर्व शक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है स करने से हमारी सोई हुई शक्तियां वैसे ही जग जाएंगी जैसे हाथी की जग गई शक्तियां हैं अगर हम स्मृतियों में नहीं हैं स्वमान में नहीं हैं तो वो सोई हैं सुसुप्त स्मृतियां उन्हें जगा देती हैं जैसे सोए हुए मनुष्य को हिला डुला के जगाया जाता है सोई हुई शक्तियों को स्मृतियों से हिला दिया जाता है वो जगने लगती है श्रेष्ठ स्मृतियां रखने पर बहुत ध्यान देंगे सभी तो पहला अभ्यास में मास्टर सर्व शक्तिवान हूं रटने की बात नहीं है कम से कम दो तीन बार दिन में गुड फीलिंग के साथ इस स्मृति को जागृत कर लें, इन्हीं शब्दों में करना मैं बहुत शक्तिशाली हूं सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख कर सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं वो मेरा साथी है छत्र छाया है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं बहुत काम हो जाएगा दो बार भी अगर आप कर लेते हैं सवेरे और शाम रात बहुत बल मिलेगा एक बहुत बड़ा फायदा होगा जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हैं और हमारे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगती हैं जो जितना अभ्यास करेंगे उतनी दूर दूर तक फैलेंगी तो भटकती हुई आत्माएं आपसे कोसों दूर रहेंगी उन्हें ऐसा लगेगा हम इनके पास चले गए तो जल जाएंगे लाल निकलेगी अग्नि जैसी इसलिए आने वाले समय में और अब भी क्योंकि कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई उनमें से बहुतों को शरीर नहीं मिले हैं करोड़ों भटक गए हैं वो कहीं ना कहीं आ रही हैं आत्माएं भटकती हुई कहीं भी पहुंच जाती हैं भटकना क्यों कहते हैं इन्हें क्योंकि उस स्थिति में ये आत्माएं ना कुछ देख सकती प्यासी हैं पानी नहीं पी सकती ऐसे नहीं कहीं पी लेंगे जाके भूख लगी है भोजन नहीं खा सकती तो ये सबसे बड़ी सजाएं होती हैं कुछ लोग मानते नहीं इनको मैं तो हमेशा कहता हूं कि मानते वे नहीं जो इसको जानते नहीं है ये तो खेल बहुत चल रहा है अभी और ये बढ़ेगा तो मास्टर सर्वशक्तिवान से ओर आभा मंडल बना देना दो बार इससे आप बहुत सेफ रहेंगे मैं तो ये भी सुनता हूं कई जगह कि आत्माएं आ रही थी लेकिन झंडे से ऐसे वाइब्रेशंस निकल रहे थे कि आने का साहस न कर सकी इसलिए जिन घरों में झंडा बाबा का लहराता है वो भी बहुत सेफ होते हैं अपने घर के बाहर मेन गेट के बाहर अगर आप शिव बाबा की बड़ी लाइट लगा देते हैं उसके वाइब्रेशन से भी बहुत सेफ्टी होती है अब दूसरी चीज जितने हमारे मन में पावरफुल संकल्प होते हैं तो आत्मा से पावरफुल वाइब्रेशंस ब्रेन को जाते हैं एनर्जी कहते हैं इसे पावरफुल एनर्जी ब्रेन में मस्तिष्क में जाती रहती हैं और वो अनेक चीजों को ठीक करती हैं इसी सिद्धांत के आधार से हम बहुतों तो को सिखा रहे हैं जिनको मानसिक रोग बहुत ज्यादा हैं डिप्रेशन है एंजाइटी कहते हैं मेडिकल भाषा में कई नाम है उनके अगर 108 सौ बार लिख लेते हैं उठते ही और सोने से पहले तो कुछ ही दिनों में ब्रेन काफी संभल जाता है एनर्जेटिक हो जाता है क्योंकि मानसिक रोगों की कुछ ज्यादा दवाइयां नहीं हैं ब्रेन को डल कर देती हैं इसलिए सभी मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत अच्छा अभ्यास अपने जीवन में रखेंगे शक्तियां जगती जाएंगी और हम सब जानते हैं अगली बात सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग लगाना सर्वशक्तिवान की किरणें अपने अंदर भरना ये हमें बहुत पावरफुल बना देता है कैसे भरती हैं किरणें छोटे से उदाहरण से आपको क्लियर रहेगा यहाँ बैठे हैं हम हॉल के अंदर आसमान में सूरज चमक रहा है हम उसे आंखों से नहीं देख सकते पर बुद्धि के नैन से तो देख सकते हैं ना बारह बज रहे हैं ऊपर है हमारे ऊपर आ गया है सूरज चमक रहा है जैसे ही आप उस गोले को देखेंगे किरणें चार ओर फैल रही हैं तो हम उससे जुड़ गए देखते रहे तो जुड़े रहें और उसकी एनर्जी वाइब्रेशंस हमको आते रहेंगे जितनी देर उस पर हम एकाग्र होंगे उतनी ही देर उसकी एनर्जी हम में समाती रहेगी आप कभी करके देख सकते हैं आपको ठंड लग रही हो कपड़े ना हो आप ऐसी जगह हो सूरज पे एकाग्र हो जाओ फील करो उसकी गर्मी की किरणें मुझे आ रही हैं पांच सात मिनट में इस ठंडी भाग जाएगी शिव बाबा को ऐसे ही शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है उस पर एकाग्र हो जाओ हो जाओ अभी सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य जो ब्रह्मलोक में चमक रहे हैं इस रूप से उन्हें देखें उनका दिव्य तेज उनकी शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं हम उन्हें देख रहे हैं वे सत्यम शिवम सुंदरम है उनका ये अलौकिक रूप बहुत सुंदर है आकर्षक है सुन की किरणें हमको आने लगी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं, मैं इस फाउंटेन के नीचे हूं शक्तिशाली बनने का सबसे सुंदर तरीका इसको चलते फिरते भी किया जा सकता है कामकाज में भी किया जा सकता है हम परमधाम में जाकर बैठे बाबा के पास वो बहुतों से होता नहीं या बैठना पड़ता उसके लिए लेकिन हम काम कर रहे हैं ऊपर से बाबा की शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं, जैसे बरसात हो रही है अभ्यास चलते फिरते ही कर लेना चाहिए अच्छी तरह कर लेना चाहिए बहुत बल मिलेगा बहुत मदद मिलेगी और इस इन सब अभ्यासों से एक बहुत अच्छा फायदा यह होता है व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं कलयुग का प्रभाव समाप्त हो जाता है गंदगी बहुत है ना चारों ओर वो सब समाप्त होकर हम सेफ हो जाते हैं तो इस योग अभ्यास को बहुत बढ़ाएंगे इससे विकर्म भी, भी विनाश होते हैं विकार भी नष्ट होते हैं एक एक मिनट भी आधा आधा मिनट भी कर लेना चाहिए ऊपर से सर्व शक्तिवान की किरणें पड़ रही हैं बहुत सिंपल कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं इसमें स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए ये दो तीन बात तो हो ही गई लेकिन एक बात और हम अपने मन में सदा शक्तिशाली संकल्प रखें कमजोर संकल्प हमें कमजोर करेंगे शक्तिशाली संकल्प हमें शक्तियां देंगे शक्तिशाली संकल्प रोज हमें बाबा की मूलियों से मिलते रहते हैं जैसे तुम विजयी रतन हो तुम्हारी विजय होनी ही है हम भी अपने अंदर ये संकल्प ले आए मेरी विजय होनी ही है मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता बहुत पावर है इस संकल्प में क्योंकि बहुतों की शिकायत रहती है ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते ये बहन या ये भाई हमें आगे नहीं बढ़ने देते हमें चांस नहीं देते इन दोनों बातों का उत्तर है जिसको भगवान आगे बढ़ाए उसे मनुष्य क्या रोकेगा है या नहीं और भगवान उन्हें आगे बढ़ाएगा जो अपने को योग्य बनाएंगे सभी इस बात को ध्यान में ले लें हमें भिकारियों की तरह इधर उधर देखने की जरूरत नहीं प्यासी नजरों से देखने की जरूरत नहीं हमें चांस मिले हमें ये हो वो हो कोई मदद करे कोई आगे बढ़ाए अपने को योग्य बना दो भगवान को योग्य आत्माओं की तलाश है ऐसा मान लें जितना आप योग्य बनेंगे आपकी योग्यताओं को वो यूज करेगा ही उसको तो संसार बदलना है संसार बदलने में जितनी अच्छी योग्य आत्माएं उसे मिलेंगी उसका कार्य उतना ही सहज होगा अपनी योग्यताओं को बढ़ाते चलें दूसरों को योग्य बनाते चलें दोनों बातें हैं बाबा उन आत्माओं को बहुत प्यार करता है जो दूसरों को योग्य बनाते हैं और जो ये सोचते हैं ये योग्य बन गया तो मेरा क्या होगा सोचने ऐसे सोचने वालों की भी कमी नहीं है वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते उन्होंने अपने को खड़ा कर लिया है मैं यहाँ खड़ी हूं यहाँ खड़ा हूं मेरे से आगे कोई नहीं जा सकता वो खड़े हो गए और जिसको आगे जाना है वो इधर से उधर से चुपके से छुपके से आगे निकल जाएंगे या नहीं इसलिए आगे बढ़ाने वाला स्वयं भगवान बस हम उसकी राहों पर चलते चलें। अपने को उसके आगे पूरी तरह रख दे हम तुम्हारे ये हमने योग्यताएं अर्जित की हैं आपकी श्रीमत से अब आपका काम है इनको यूज करना देखो बाबा कैसे करता है तो हमें स्वयं को बहुत शक्तिशाली बनाना है अपने शक्तिशाली संकल्पों से उसकी चर्चा हम पहले भी कर आए हैं हमें कोई हरा नहीं सकता ता जब तक हम हार ना मान ले जिनको माया नहीं हरा सकती उन्हें कोई मनुष्य क्या हराएगा संकल्प कर ले पावरफुल कल पहले भी मैंने जीत हासिल की है भगवान से मुझे सफलता का वरदान प्राप्त है उसकी शक्तियां मुझे साथ दे रही है मुझे दौड़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना ही है अगर लंगड़े लोग हिमालय पे चढ़ सकते हैं सुना है एक लंगड़ा व्यक्ति भी एवरेस्ट पे चढ़ गया एक व्यक्ति अभी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए चढ़ रहा है मैं बिना ऑक्सीजन के चढ़ूंगा ये मनोबल की बात है ना एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना हमारी चढ़ाई से तो भारी है ना हमारी चढ़ाई तो सूक्ष्म है और सात्विक इसका मिल रहा हात्विक इसने पकड़ा है लेकिन जहां मनोबल मनुष्य का बड़ा चढ़ा होता है वहां बाधाएं स्वत ही पीछे हट जाती हैं मैं सोच रहा था हो सकता है ये व्यक्ति विदेश का है वो ये व्यक्ति बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए एवरेस्ट पे चढ़ रहा है हो सकता है प्रकृति से मदद कर दे उसे पूरी ऑक्सीजन मिलती रहे क्योंकि हम हम जब शक्तिशाली होते हैं तो प्रकृति का भी हमें साथ मिलता है साथियों का भी साथ मिलता है लास्ट में दो बातें कह देता हूं आपको बहुत काम की हैं बहुत छोटी हैं पर बहुत काम की शुक्रिया करना और क्षमा याचना करना क्षमा याचना तो सबको ही करनी चाहिए सात दिन तो लगातार बीच बीच में कभी भी सात दिन लगातार कर लो रोज करने की जरूरत नहीं क्योंकि मान लो हमने हजार साल पहले सौ लोगों को सताया है उनकी बैड एनर्जी हमारा पीछा कर रही है वो किसी को डिप्रेशन में ला रही है किसी को समय पर सफल नहीं होने दे रही है किसी को भयानक बीमारियों का शिकार बना रही है बैड एनर्जी जिसको बदए कहते हैं बहुत बुरा इफेक्ट डालती है देखो घरों घरों में ये चीजें तो जानते हैं ना नजर लग गई बच्चे को अरे फलानी माता आई थी कहा क्या सुंदर बच्चा है बस तब से गया बच्चा अब उसने सोच के थोड़ा ही कहा था मेरा ये कहने से कुछ हो जाएगा सुंदर है बच्चा तो सभी कहेंगे बच्चा बहुत सुंदर है लेकिन नजर का इफेक्ट हो जाता ये बैड एनर्जी होती है क्षमा याचना कर लेंगे उन सब से सवेरे ही मैंने जिनको भी पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूं क्षमा चाहता हूं आप प्रसन्न हो जाओ देखना रिजल्ट देखना कितना सुंदर रिजल्ट रहेगा मुझे तो जो करते हैं वो आके बताते हैं कल भी कोई युगल आए बता रहे थे क्षमा याचना करने से हमारे कितने विघन नष्ट हो गए दूसरी चीज है शुक्रिया बाबा को तो हम शुक्रिया करेंगे उसने हमें जीवन दिया है सब कुछ दे रहा है लेकिन और चीजों को छोट चीजों की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं पहले एक बड़ी चीज द्वापुर से जिन्होंने भी हमें बहुत मदद की है उन सब का सच्चे दिल से शुक्रिया बस इतना ही संकल्प तो वह आत्माएं तो हमारे आसपास ही होंगी ना अब वो फिर से मदद करने के लिए दौड़ती रहेंगी प्रैक्टिकल अनुभव होगा हमें मदद करने वाले बहुत मिलते हैं और जो दूसरों की मदद पर उन्हें सच्चे मन से शुक्रिया नहीं करते वो दूर हो जाते हैं बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है थैंक्स भी नहीं बोलता तो आजकल भी सुनते होंगे आप अब छोटी छोटी बातें सुन लें किसको हार्ट की बीमारी है बढ़ रही है आजकल अपने हार्ट पे दाया हाथ रख के संकल्प करना जब से मैंने जन्म लिया तुम धड़क ही रहे हो या किस दिन रुका है पांच सात मिनट रुक जाए खून को सप्लाई करता रहता है ना खून उससे जाता है वापस आता है तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया सदा स्वस्थ रहो दुआएं भी दे देना अपने हार्ट को रिजल्ट देखना ऐसे ही भिन्न भिन्न अंगों को आजकल लीवर भी कई योगे खराब हो रहे किडनी फेल होने के तो बहुत केस होने लगे हैं क्योंकि खान पान थोड़ा वैसा हो गया है खादों खाद ऐसे डाले जा रहे हैं सब्जियों में अन्न में कि उसका इफेक्ट किडनी पे बहुत आ रहा किडनी पे हाथ रख के यहां होती है पीछे और कहो तुमने जीवन भर मुझे साथ दिया है मेरे यूरिनरी सिस्टम को ठीक रखा है आपको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपकी आभारी हूं मैं आपका आभारी हूं बहुत इफेक्ट होगा ये हमारी दुआएं जाएंगी इन चीजों को और हमारी दुआओं में बहुत ताकत है आंखों को कुछ हो रहा है आंखों पे हाथ रख के ऐसे ही थैंक्स देना एनर्जी तो देते ही थैंक्स भी देना तुम ना होती तो संसार ही ना होता हमारे लिए हम तुम्हारे बहुत एहसान मंद हैं <laughs> ही तो हमारा जीवन हो तुम तुम्हारे कारण ही तो हम सब कुछ देख पा रहे एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे अलग अलग दांतों को भी दे सकते हैं बूढ़ों के दांत गिरने लगते हैं थोड़े रुक जाएंगे घुटने दर्द दो टांग दर्द दो घुटने दर्द बहुतों को बढ़ रहे हैं हाथ रख के एनर्जी भी देना और शुक्रिया भी करना तुम्हारे कारण ही तो हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तुम ना हो तो हमारा हाल क्या हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने लगेंगे आपको तो पावरफुल भी अपने को बहुत बनाएंगे और इस जीवन को मस्ती से गुजारेंगे भगवान साथ दे रहा है ओम शांति